सीख रहे हैं, ठीक है। अब जो मेरा जो सेशन है, जो आपको शैलेंद्र ने बताया होगा, मैं इंटरडिसिप्लिनरी, शैलेंद्र अपना माइक ऑफ कर दो। तो देखिए, आप ये जितने भी आप लोग यहाँ पे हैं, वो सारे इकोनॉमिक्स के हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन के लोग भी हैं? सब कुछ सोशोलॉजी के भी होंगे, कुछ पॉलिटिकल, मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो हाँ, तो उसमें हाँ ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों का ये मेथोलॉजिकल वर्कशॉप है, और जो मैं मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो पब्लिक पॉलिसी को लेकर है। स्पेशलाइजेशन क्या, मैं भी उसमें मेथोलॉजी ऑफ जो पॉलिसी रिसर्च कैसे करते हैं, उसकी मैपिंग कैसे करते हैं, उसके ऊपर मैं आप लोगों से तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे जब आपको पॉलिसी रिसर्च करनी हो तो आपको ये समझना होता है कि आखिर पॉलिसी रिसर्च क्या चीजें अपनाते हैं। या किसी स्कीम के ऊपर रिसर्च करना चाहता है, और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं और वो कहते हैं कि सर मुझे जैसे मनरेगा पर रिसर्च करनी है, या सर मुझे, आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? ठीक है। तो हाँ विजुअल है। तो जब आपको कई बार क्या होता है कि आपके पास एक सवाल आता है कि मान लीजिए कि हमें मनरेगा पर रिसर्च करनी है, या हमें राइट टू इंफॉर्मेशन पर रिसर्च करनी है, या कोई 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 ये सवाल उठाता है कि सर मुझे जो है किसी ऐसे पर रिसर्च करनी है, तो आप देखोगे कि जो तो ज्यादातर रिसर्च है उसका एक नेचर है, और वो जो रिसर्च है वो नेचर जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिसी ओरिएंटेड होता है। ये बात तो आप सब मानते ही होंगे कि जो आपके जो इकोनॉमिक्स है या सोशोलॉजी है या पॉलिटिकल साइंस है, जो द फील्ड ऑफ इंक्वायरी ऑफ रिसर्च इज समवेयर इज रिलेटेड टू द पॉलिसी, और कहीं ना कहीं ये इवेल्यूटिव स्टडी का पार्ट है। तो जब भी आप पॉलिसी रिसर्च करें, देखिए मैंने इसके ऊपर अभी एक रूटलेज में एक पेपर भी लिखा, और इसके ऊपर बड़े स्कॉलर्स का भी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। जब आप किसी पॉलिसी पे रिसर्च करें, जब आप किसी नीतिगत या किसी योजना पे शोध करें, आप चुनाव कर लेते हैं, आप बेसिक मेथोलॉजी उसकी जानते हैं, आपको सैम्पलिंग डिजाइन पता है, आपको ये भी पता है कि प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन पॉलिसी रिसर्च में एक चीज और भी होती है, उसे हम कहते हैं मेटा एंड मेटा एनालिसिस। तो आप जब मैं आपसे छोटे से छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ज्यादातर जब आप लोग पॉलिसी पे रिसर्च करते हैं, इवेल्यूटिव स्टडी जो भी जैसे डेवलपमेंट स्टडीज में होते हैं पॉलिसी रिसर्च, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्लान क्यों फेल होते हैं उनके एवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, पब्लिक पॉलिसीज क्यों फेल होती हैं इसके ऊपर बात करते हैं, सेंट्रलाइज पॉलिसी सिस्टम आखिर क्या है इसके ऊपर बात करते हैं, क्या पॉलिसी मिच मैच है पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में, उसके ऊपर बात करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? यही इन्हीं इन्हीं चीजों से आप पॉलिसी रिसर्च का प्रॉब्लम लेते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन वेरियस लेवल ऑफ गवर्नेंस, उस पर बात करते हैं। तो डिसिप्लिन डिसिप्लिन ओरिएंटेड है। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको इम्पैक्ट इवोल्यूशन ऑफ मनरेगा करना है, तो मनरेगा एक स्कीम है लेकिन ये एक सरकार की पॉलिसी भी है, और इसके मैं कहता हूँ राइट बेस्ड पॉलिसी। तो जब आप कभी भी पॉलिसी रिसर्च करें तो आपको ये अवश्य पता होना चाहिए। देखिए, ये मैं आपको पहला मेथड समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एक्टिविटी मैपिंग वॉल्यूम नहीं आ रहा है। आई थिंक सर लेफ्ट हो गए हैं मे बी। आप मेरा प्रेजेंटेशन सुन सकते हैं? हाँ सर सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ जी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब आप किसी भी नीतिगत विषय पर रिसर्च करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी स्कीम पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो आखिर किस प्रकार की स्कीम है। अच्छा, आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं, आप में से कितने लोग किसी पॉलिसी पे शोध कर रहे हैं? देखिए, ये मेरा जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंटरेक्शन से होता है, तब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा या अच्छे से आपकी बात समझ पाऊंगा। तो आप में कितने ऐसे लोग हैं जो किसी पॉलिसी पर रिसर्च कर रहे हैं, उस मुझे पॉलिसी का नाम बताएं।
तब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं कोई भी इसमें से रिस्पॉन्स कर सकता है, कोई भी इसमें से रिस्पॉन्स कर सकता है। शैलेंद्र आप अब माइक खोल दो। हेलो, ठीक है, आप मुझे बताएं कौन हु एनी पर्सन हु इज वर्किंग ऑन एनी पॉलिसी पॉलिसी रिसर्च। या मैं डायरेक्ट आपसे बात करूं, देवाशीष मलिक। यस हाँ जी, क्या सर, आप किस विषय पे रिसर्च कर रहे हैं? मेरा टॉपिक है ट्रेंड्स ऑफ लेफ्ट पॉलिटिक्स इन ओडिशा, ट्रेंड्स ऑफ लेफ्ट पॉलिटिक्स। नेटवर्क, क्या आप इसमें कोई पॉलिसी ओरिएंटेशन देख रहे हैं? नहीं, हाँ ठीक है, चलिए तो मैं आपको अब जो है कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैं खाली एक ओवरव्यू लेना चाहता कि कौन कौन किस विषय पर पॉलिसी पे आप लोग एक डायमेंशन पर रिसर्च कर रहे हैं। तो अब आपको जब मैं ये समझा रहा हूँ तो ये आपको समझना पड़ेगा पॉलिसी मैपिंग में कि आखिर किस प्रकार की पॉलिसी है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम, जो आप पॉलिसी रिसर्च का जो पहला स्टेप है, और आप इस चीज को समझिए कि अगर आप जब पॉलिसी रिसर्च में देखेंगे तो अब क्या करता है कि जो स्टूडेंट है या जो रिसर्चर है उसको यही नहीं पता होता कि वो किस प्रकार की पॉलिसी है। क्या वो रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी है, क्या वो पॉलिसी आपकी सब्सटेंसिव इन नेचर है, क्या वो पॉलिसी जो है वो एडुकेटिव इन नेचर है। जब आपको ये पता होगा कि आप किस प्रकार की पॉलिसी है और किस प्रकार की इंफॉर्मेशन है, तभी जाके आप उस प्रकार की पॉलिसी की रिसर्च कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जब आप पॉलिसी स्टडी के प्रति अप्रोच करें तो अपने अप्रोच में ये देखें कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो है क्या और पॉलिसी का नेचर क्या है। जैसे मान लीजिए आपको, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको, हाँ आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही? मेरी वॉइस नहीं आ रही आपको? आ रही होगी आपको? आ रही है, हाँ, आ रही है, आ थोड़ा रही है। नेटवर्क का इशू लगा है। ठीक है, ये आपको मेरी स्क्रीन पे एक चीज नजर आ रही है। आप देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जब आप पॉलिसी रिसर्च करें सबसे सर पहले स्क्रीन आप, शो नहीं हो रही आपकी, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। नहीं आ रही यार, स्क्रीन आ रही है। आ रही है। तो आप, मैं यहाँ पे मैंने एक चीज आपको दिखाया हुआ है कि आपका एक रिसर्च अप्रोच होता है। अप्रोच ये होता है कि मान लीजिए आपकी इंफॉर्मेशन एडोकेटिव इन नेचर है और आपकी पॉलिसी सब्सटेंसिव है। अब मान ली किसी को रिसर्च करनी है कि भारत में ब्लैक मनी पे क्या प्रॉब्लम है, भारत में हम ब्लैक मनी एस्टिमेशन कैसे करते हैं, तो क्या करेगा? एक चीज याद रखना है कि ये सब्सटेंसिव पॉलिसी है। सब्सटेंसिव पॉलिसी वो होती है जिसका इम्पैक्ट लार्जर होता है, पूरी इकोनॉमी के ऊपर हो। ठीक है, तब आप क्या करोगे? तब आपका जो प्राइमरी क्वेश्चन होगा वो व्हाट इज टू बी डन होगा, और आप इसके ऊपर इंपेरिकल अप्रोच या नॉर्मेटिव अप्रोच से रिसर्च करोगे। याद रखना कि जितने भी पॉलिसी रिसर्च होते हैं, अगर मान लीजिए एडुकेटिव एग्जाम्पल है और आपका आपका जो प्राइमरी क्वेश्चन है वो क्या करना चाहिए है, आप कभी भी उसके ऊपर इवेल्युएटिव रिसर्च नहीं कर सकते। इवेल्युएटिव रिसर्च करने के लिए इंफॉर्मेशन को भी इवेल्युएटिव होना चाहिए, जैसे कि ड्रग कंट्रोल है या डॉरी एक्ट है। और मान लीजिए कि प्रॉब्लम यानी आपकी पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटिव है, जैसे मान लीजिए फूड सिक्योरिटी है, वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए है, या आपको वर्क करना है कि जो कोई ऐसी स्कीम बनी जो किसी विशेष वर्ग के लिए है। उदाहरण के तौर पर आपको शोध करना है कि मिड डे मील स्कीम का बच्चों के कुपोषण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। आप उसको सबसे पहले आप ये समझोगे कि ये पॉलिसी रिडिस्ट्रीब्यूटिव है, तो इसमें मैं इम्पेरिकल अप्रोच की रिसर्च ही करूंगा। क्यों? अगर इंफॉर्मेशन एडोकेटिव है और पॉलिसी क्वेश्चन जो है वो सब्सटेंसिव इन नेचर है, तो आपको इम्पेरिकल मेथड ऑफ पॉलिसी रिसर्च को अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो फैक्ट बेस्ड है, डज इट एग्जिस्ट, क्या वास्तव में ये चीज
आती है कि नहीं आती है, आपने स्कीम को पूरा एनालिसिस करना है, तो आप क्या करोगे, तब आप जो मेथड अपनाओगे वो मेथड अपनाओगे, उस मेथड को क्या करेंगे हम, इम्पेरिकल मेथड पे अपनाएंगे। तो जो आपका जो अप्रोच है पॉलिसी स्टडी का, वो इन तीन चीजों से ही निकल के आता है कि आप जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन कैसी है, एडवोकेटिव में नेचर पे है, डेजिग्नेटिव इन नेचर पर है, या इवेल्युएटिव इन नेचर पर है। और आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो पॉलिसी रिसर्च में करने जा रहा हूं वो पॉलिसी एक्चुअल में सब्सटेंसिव है या रिडिस्ट्रीब्यूटिव है या मॉरल है, और टाइप की भी पॉलिसीज होती हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि किस प्रकार की पॉलिसी है, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन है और किस प्रकार का प्राइमरी क्वेश्चन है, तो आप अपनी रिसर्च को एक सही दिशा में नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं ये पॉलिसी रिसर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण बंदा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप किस प्रकार की पॉलिसी पे रिसर्च कर रहे हो। और ये जो मॉडल है, ये जो मैंने अपनी जो चीजें सीखी, व्हाट आई हैव लर्न, ये मैंने सीखा था एक भरत पांडे और आपके हार्वर्ड के इकोनॉमिक्स से लैंड पिचर्ड, उन्होंने इस पॉलिसी रिसर्च को एक्टिविटी मैपिंग के मेथोलॉजी में डाला है। लेकिन मैं आपको आज इस बारे में भी बात बताऊंगा कि आखिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन सी हमारी पॉलिसीज हैं। ठीक है, डन। तो आइए आपको मैं ये चीज दिखाता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने के साथ भी ये बात शेयर किया हुआ है कि आप ये समझेंगे कि कैसे कैसी पॉलिसी होती है। तो आप जब पॉलिसी रिसर्च कर रहे हो तो पहले आप देखोगे कि आपकी पॉलिसी रिडिस्ट्रीब्यूटिव तो नहीं है, आपकी पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटिव तो नहीं है, आपकी पॉलिसी रेगुलेटरी तो नहीं है, आपकी पॉलिसी कंस्टिट्यूएंट तो नहीं है, आपकी पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड तो नहीं है, या आपकी पॉलिसी बार्गेनिंग तो नहीं है। तो मान लीजिए कि आपने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन पे को रिसर्च करना है, तो आप ये अपने मन में जान लो कि आप सब्सटेंसिव पॉलिसी पे रिसर्च कर रहे हो और इसका जो कंसर्न है वो ओवरऑल जनरल वेलफेयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी है। तो जब आप एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या पॉल्यूशन की किसी भी इस पे रिसर्च करते हो जो ओवरऑल वेलफेयर ऑफ जिसका ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी हो, उसे मैं सब्सटेंसिव पॉलिसीज कहता हूँ। उसको मैं क्या नाम दिया मैंने, सब्सटेंसिव पॉलिसीज, ये बाय द डिफॉल्ट डेफिनेशन में आता है। मान लीजिए अब अगर आप ऐसी पॉलिसी पर रिसर्च कर रहे हो जो स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, जैसे फूड सिक्योरिटी हो गया, सोशल इंश्योरेंस हो गया, या किसी न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स को हो गया, पॉवर्टी रिमूवल हो गया जिसका ऑब्जेक्टिव, और वो किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए है, तो उसको मैं कहता हूँ कि ये पॉलिसी रिडिस्ट्रीब्यूटिव है। तो आप रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी पे एक रिसर्च करते हैं, अब फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी पे। लेकिन अगर किसी ऐसी पॉलिसी पे आप रिसर्च कर रहे हो जिसका जो पर्पस है वो इनइक्वालिटी को हटाना हो, रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी हो, या जैसे आपने डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स के ऊपर रिसर्च करनी है, आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे रिसर्च करनी है, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी भी होती हैं, और ये पॉलिसी सर्टेन सेगमेंट के लिए है, तो आप क्या कर रहे हो, आप रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी पे रिसर्च कर रहे हो। तो मैंने आपको सब्सटेंसिव बता दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव बता दिया। लेकिन मान लीजिए कि आप नेचुरल डिजास्टर पर रिसर्च कर रहे हो, आप इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पर रिसर्च कर रहे हो, या आप जो है इंटरनेशनल पॉलिसी इश्यूज पर रिसर्च कर रहे हो, जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के स्टूडेंट होंगे जो मेथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो फॉर दैट यू आर डूइंग इन रिसर्च ऑन अ कॉन्फ्लिक्टोलॉजी, तो आप कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसीज पे रिसर्च करते हो। अगला जो पॉलिसी इशू आता है उसे हम कहते हैं बार्गेनिंग पॉलिसी इशू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, ये जब केस स्टडीज करते हैं पॉलिसी एनालिसिस में, तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ अल्कोहलिक कंजम्पशन पर रिसर्च कर रहे हैं, स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे आप रिसर्च कर रहे हो, जैसे आपने इंपैक्ट ऑफ सम बिल ऑन द ट्रांसजेंडर पर रिसर्च कर रहे हो, तो जो ऐसी पॉलिसी है जो कुछ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट आउट आउट में आती है, उसे मैं कहता हूँ बार्गेनिंग पॉलिसी। लेकिन जैसे आप रिसर्च करते हो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, या किसी स्टील पॉलिसीज के क्या क्या योगदान हो रहा है, तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म से आता है, जैसे ट्रेड है, बिजनेस है, पब्लिक यूटिलिटीज है, तो आप रेगुलेटरी पॉलिसी से मतलब आपको रिसर्च करना होता है, तो आपका मैकेनिज्म ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपको ये समझना है कि जब आप पॉलिसी रिसर्च करें तो आप ये अपने मन में सबसे पहले ये देख लें कि कैसा इंफॉर्मेशन है और किस टाइप का पॉलिसी है। तो टाइपोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द टाइपोलॉजी ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू डू अ पॉलिसी रिसर्च।
एनी क्वेश्चन ऑन इट, आप मुझसे बीच में भी सवाल पूछ सकते हैं। मैंने क्या कहा कि आप जब पॉलिसी रिसर्च करें तो अंडरस्टैंडिंग द टिपोलॉजी ऑफ पॉलिसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिसी रिसर्च। एनी क्वेश्चन ऑन इट, एनी डाउट ऑन इट, आप मुझे बताएं। फिर मैं आपको अभी मैपिंग पे भी आ रहा हूं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, आप मुझे बीच में भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन इन बिटवीन यू कैन आस्क, क्या आपको टिपोलॉजी ऑफ पब्लिक पॉलिसी समझ में आ गया? मैं बड़े स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट मेथोलॉजी पे नहीं आ रहा हूं। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा देखो, टिपोलॉजी ऑफ पब्लिक पॉलिसी में क्या होता है कि जब आप पब्लिक पॉलिसी को आइडेंटिफाई करते हैं तो आपके ये समझना होता है कि वो पॉलिसी किस प्रकार की है, किस प्रकार की आप पॉलिसी पर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने, किसी को रिसर्च करना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इम्पैक्ट के ऊपर, तो ये रिसर्च इवेल्युएटिव होगी, लेकिन जो पॉलिसी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रिसोर्सेज करना है। ठीक है, मान लीजिए कि आप इन्वायरमेंटल पॉलिसी पर रिसर्च करते हैं, पूरा एक इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसी ऑन इंडियन, तो वो क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव ओवरऑल वेलफेयर हो, तो वो पॉलिसी क्या होती है, सब्सटेंसिव इन नेचर होती है। तो मैंने क्या कहा है कि पॉलिसी रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी या टिपोलॉजी ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या है। गॉट इट, गॉट इट? तो आप 8 से 9 टाइप के टिपोलॉजीज होते हैं, 7 से 8 टाइप के भी टिपोलॉजीज होते हैं। तो आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, और ये आप एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड से समझ सकते हैं कि अगर स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए है तो कौन सी पॉलिसी है, अगर जनरल वेलफेयर है तो सब्सटेंसी होगी, अगर कैपिटलाइजेशन, सॉरी मैं यहाँ पे कैपिटलाइजेशन पॉलिसी आपको बताना भूल गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो से फाइनेंस कमीशन पे रिसर्च करते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन पे रिसर्च करते हैं, या पब्लिक फाइनेंस में रिसर्च करते हैं, वो भी पॉलिसी रिसर्च करते हैं, वो पॉलिसीज कहलाती हैं कैपिटलाइजेशन पॉलिसीज। जहां पर आप इंस्टीट्यूशन को रिसोर्स देने की जब बात करते हैं, तो हर एक डोमेन में पॉलिसी रिसर्च होती है। आप इन्वायरमेंट से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से, पब्लिक फाइनेंस से, आप कहीं भी ले लो, और हर जगह टिपोलॉजी ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि आप देखोगे कि जो आपके रिसर्च का जो लास्ट लाइन होता है, लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है, हमेशा ये रहता है कि टू सजेस्ट सम पॉलिसी मेजर्स। और आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो अपने में एक चैप्टर रखते हैं, वो पॉलिसी को इवेलुएट करते हैं, या पॉलिसी की रिसर्च का एक चैप्टर अपने में रखते हैं, या तो पूरी रिसर्च पॉलिसी बेस होती है, या एक चैप्टर जरूर होता है जिसपे आप पॉलिसी सजेशन देते हो। क्योंकि एकेडमिया में अब वो रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं किया जाता जिसका कोई पॉलिसी इम्प्लीकेशन नहीं हो, या जो कोई पॉलिसी सजेशन नहीं देती। एम आई राइट और रॉन्ग? तो चाहे कैसे भी प्रकार की रिसर्च हो, वहां पर आपको एक ना एक पॉलिसी सजेशन देना है, तो आप इसको एक चैप्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं जो चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज अ मेथोलॉजी ऑफ पॉलिसी रिसर्च। टिल नाउ आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट आर द टाइप ऑफ पॉलिसीज, हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ पॉलिसी रिसर्च, और आपको मैं ये दिखाऊंगा कि आपको पॉलिसी रिसर्च करनी कैसे है। गॉट इट? ठीक है, अब आओ बात समझते हैं कि अब हम करने के लिए हमारे पास क्या स्टेप होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको, जब भी आपको पॉलिसी रिसर्च करनी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या अप्रोच अपनाओगे। तो दो चीजें होती हैं, और ये इस मेथोलॉजी को हम कहते हैं एक्टिविटी मैपिंग। तो सबसे पहले एक्टिविटी मैपिंग, ये जो मेथोलॉजी है, ये पॉलिसी रिसर्च करने की मेथोलॉजी है। पॉलिसी है क्या, ये चीज मैंने आपको समझा दिया। टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं कि आखिर पॉलिसी रिसर्च का अप्रोच क्या है। देखिए, सबसे पहले जब आपको पॉलिसी रिसर्च करनी है, तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए कोई स्कीम आपने चुनी, जैसे आपने कहा कि आप जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पे रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से किसी भी स्कीम को चूज करें, आप जिस स्कीम को आप चूज करेंगे, और उसका आपको मेटा अप्रोच करना है। क्या करना है, मेटा अप्रोच करना है, और उस मेटा अप्रोच करने के बाद उसका आपको एक्टिविटी मैप बनाना है, और आपको कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेटा अप्रोच का। मेरे पास एक स्टूडेंट ने रिसर्च का प्रपोजल दिया कि सर मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो है पंजाब में, उसका रिसर्च एरिया है, तो
और वो काम कर रही है पंजाब में जो लघु उद्योग है उनकी क्या फंक्शनिंग है। अन्य जो रिसर्च है और पॉलिसी रिसर्च में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको मैं कहता हूँ मेटा अप्रोच ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, जो किसी भी पॉलिसी रिसर्च को करने का सबसे पहला स्टेप होता है। उसने मुझसे पूछा कि सर अच्छा बताइए कि मुझे मैपिंग करनी है और मुझे इस पॉलिसी के ऊपर एक एनालिसिस करना है। तो मैंने कहा कि अच्छा आप वहां पे जाइए और पता करिए कि वहां का सबसे बूढ़ा आदमी कौन है उस डिपार्टमेंट का। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा देखो मेटा अप्रोच का मतलब है कि इवन वी कैन नॉट नेगलेक्ट द सिंगल इंडिविजुअल ओपिनियन। जैसे मान लीजिए कि आप किसी गांव में सैनिटेशन के ऊपर सर्वे करने गए और ये पायलट एक्सरसाइज पहले की होती है। पॉलिसी अप्रोच जो है ना पायलट पायलट एक्सरसाइज के पहले भी मेटा एक्सरसाइज होती है। मान लीजिए किसी गांव में आप सर्वे करने गए और आपको ये पता करना था कि वहां के लोग बहुत ज्यादा सैनिटेशन पसंद करते हैं कि नहीं। आपने पूरे गांव में सर्वे किया, घूम लिया पूरा गांव, यू आर ट्रेवलिंग द होल विलेज। आपको 80% लोगों ने ये कहा कि ये गांव के लोग बड़े साफ सुथरे रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने सर्वे में नोट किया, आपके सैंपल्स ने आपको जो रिजल्ट दिया आप वापस आने लगे। बाहर बरगद के किनारे एक 90 साल का बूढ़ा बैठा हुआ था, ऐसे ही आपने उससे बात की। उसने कहा कि सर इस गांव में पिछले 10 साल में यंग एज के कई लोग पीलिया से मर गए। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा कि यंग एज के कई लोग पीलिया से मर गए। आपका जो मोर जो सैंपल है 80% जो सैंपल है वो ये कह रहा है कि इस गांव के लोग बड़े सैनिटेशन बड़े पसंद हैं, लेकिन जो आपको एक 90 साल का जो एक्सपीरियंस बुजुर्ग है वो ये कह रहा है कि इस गांव के कई लोग पिछले 10 सालों में पीलिया से मर गए। अब आप क्या करोगे? ये चीज कहलाती है मेटा अप्रोच ऑफ पॉलिसी मेकिंग। इसका मतलब क्या है कि जब आपको रिसर्च करने से पहले पायलट स्टडी से करने से पहले एक इंडिविजुअल सर्वे को भी प्रेफर करना है, वी कैन नॉट नेगलेक्ट इट, तो दैट इज नोन एज मेटा एक्सरसाइज। इसके लिए आप क्या करोगे, अपने एक एक अपने आप में एक मॉडल मैप बनाओगे, इसके लिए अपने आप में एक आप एक पायलट सर्वे के पहले सर्वे करोगे और उस चीज को आप एक खाका बना के रखोगे कि ये चीज भी मुझे अपने रिसर्च में रखनी है। तो मेटा एक्सरसाइज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन अ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च, कि रिकॉग्नाइजिंग इवन द इंडिविजुअल ओपिनियन नॉट नेगलेक्टिंग देम। और आप अगर इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझोगे तो भारत में कहा जाता है ना कि भारत के प्लान्स बड़े अच्छे बनते हैं और भारत में जो एक एक क्योंकि पॉलिसी एक बड़ी रिसाइकलिंग एक्सरसाइज है ना, कि एक पहले आपने इसको इवेल्युएट किया फिर सजेशन दिया होता है, लेकिन क्यों कई बार सजेशन इनकॉर्पोरेट नहीं होते, क्योंकि वी डू नॉट डू द मेटा एक्सरसाइज। तो ये ना केवल रिसर्च के लिए उपयोगी है बल्कि पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए भी उपयोगी है। दिस इज अ वेरी ग्रेट मॉडल प्रोपोगेटेड बाय द फ्यू ऑफ द स्कॉलर लाइक ड्रोर ईस्टन। दिस सेट कि द मेटा एक्सरसाइज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और इसी के बेस के ऊपर हार्वर्ड के कुछ इकोनॉमिक्स ने ये कहा, मैं आपको कंट्रडिक्ट कर रहा हूँ, कि इंडिया का जो पॉलिसीज है वो फेल इसलिए नहीं होता कि वो बैड इन इम्प्लीमेंटेशन है। इंडिया का पॉलिसी कई बार फेल इसलिए भी होता है क्योंकि वो बैड इन फॉर्मुलेशन भी है, और इंडिया एज अ फ्लेलिंग स्टेट है, और इंडिया में पॉलिसी रिसर्च में मेटा एक्सरसाइज या मैपिंग एक्सरसाइज नहीं की जाती मेथोलॉजिकल पार्ट पे। तो दैट इज अ पॉइंट विच आई एम शेयरिंग विद यू एंड दैट इज अ वेरी ग्रेट मॉडल गिवन बाय द लैंड प्रिचेट। ओके, तो ये बात आपकी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आप कहते हैं कि आखिर हम एक्टिविटी मैपिंग है क्या, आखिर हम करेंगे कैसे? तो मैं आपको एक मॉडल के हिसाब से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप एक्टिविटी मैपिंग करते हो, जब किसी भी पॉलिसी को आप जब उसका आप मैपिंग शुरू करते हो, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, और वो चीज आइडेंटिफाई होती है कि उस पॉलिसी में क्या क्या एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसएसए को ले लो तो एसएसए में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि उन पॉलिसीज की एक्टिविटीज को वेरियस कैटेगरीज में बांटोगे। कैटेगरीज क्या क्या रखते हैं? सेटिंग स्टैंडर्ड, प्लानिंग, असेट क्रिएशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। तो ये जो है आपका एक्टिविटी मैपिंग का एक्सरसाइज है, ठीक है। और एक्टिविटी मैपिंग है क्या, मैं आपको ये भी बता दूं, एक्टिविटी मैपिंग इज अ मेथड ऑफ पॉलिसी रिसर्च। किसी भी प्रोग्राम या किसी भी पॉलिसीज की सारी एक्टिविटीज को नोट करना, वेरियस लेवल ऑफ गवर्नेंस पर कहाँ कहाँ काम हो रहा है उसको देखना, और साथ ही साथ एक मॉडल मैप बनाना कि ये काम यहाँ पर होगा और एक्चुअल में ये काम ऐसे होता था। ये होता है एक्चुअल में पॉलिसी रिसर्च। कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी स्कीम पे आपको ये पता करना है, इवेल्युएशन करना है
ये स्कीम सही फंक्शनिंग कर रही है कि नहीं कर रही है। अब आप जाओगे, आपने सारी चीजें नोट की कि यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन वो काम सही हुआ कि नहीं हुआ उसका पैरामीटर क्या है? उसका पैरामीटर है एक्टिविटी मैपिंग। और एक्टिविटी मैपिंग का मतलब है कि जितनी एक्टिविटीज उस पॉलिसी में होती हैं जिसको आप इवेल्युएट कर रहे हो, क्या वो अपनी लेवल ऑफ गवर्नेंस पे या वो सही जगह हो रही है, क्या वहां पर सारे प्रिंसिपल सही लगे हुए हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जो गलत जगह हो रही है, आप आपने नोट कर लिया कि ये काम तो वहां होना था पर ये वहां हो नहीं रहा है, पर आप कैसे बताओगे कि ये काम गलत हो रहा है? उसके लिए आपको मॉडल एक्टिविटी मैपिंग करनी पड़ेगी। दैट इज अ पर्पज ऑफ मेथोलॉजी ऑफ एक्टिविटी मैपिंग, दैट इज अ पर्पज ऑफ मेथोलॉजी ऑफ हाउ टू डू अ पॉलिसी रिसर्च। तो अब आप देखिए कि आप क्या करोगे कि आप सारे एक्टिविटीज को एक इसमें कैटेगराइज करोगे, फिर आप कुछ प्रिंसिपल्स लगाओगे। ये प्रिंसिपल्स होते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल, एक्सटर्नलिटी, इक्विटी, हेट्रोजिनिटी, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रांजेक्शन और टेक्निकल। यानी कि जो पहला आप प्रिंसिपल लगाओगे वो प्रिंसिपल लगाओगे इकोनॉमी ऑफ स्केल, एक्सटर्नलिटी, इक्विटी, और दूसरा आप प्रिंसिपल लगाओगे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांजेक्शन इनिशिएटिव और टेक्निकल एस्पेक्ट। तो मैंने आपको बताया कि जब आपको पॉलिसी रिसर्च करनी है, आपने कोई पॉलिसी चुन ली, आपने सब्सटेंसिव पॉलिसी चुन ली, यू हैव चूजन द सब्सटेंसिव पॉलिसी, आइदर यू हैव चूजन द रेगुलेटरी पॉलिसी। अब आपका दूसरा जो काम होगा पॉलिसी चुनने के बाद, आप उसकी सारी एक्टिविटीज को नोट करोगे, और उसके लिए आप माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आप उसको पॉलिसी की आपको पूरी गाइडलाइन पढ़नी पड़ेगी। फिर उन एक्टिविटीज को नोट डाउन करने के बाद आप ये दो प्रिंसिपल्स लगाओगे वेरियस लेवल ऑफ गवर्नेंस में। मैं आपको अभी एक मॉडल दिखा रहा हूं कि कैसे आप इसको समझ सकते हो। मान लीजिए कि आपको एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशनल उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है। ये मैं आपको एक मॉडल दिखा रहा हूं, तो ये देखिए। तो सबसे पहले आप की क्या काम करोगे कि आप एक एक आपने ग्रिड ग्रिड बना लिया, आपने एक्टिविटीज का ग्रिड बना लिया कि ये देखिए कि जो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये देखिए ये सारी एक्टिविटीज हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, सिलेबस ऑफ सेटिंग, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ए टू जेड काम। जब आपको पॉलिसी रिसर्च करनी है वो सही से पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, आपने नोटेड डाउन कर लिया और फिर इसको कैटेगराइज किया इन चार कैटेगरीज में। तो कौन सी कैटेगरीज में? सारी एक्टिविटीज को पहले इन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लिया। ये देखिए कि ये एक्टिविटी किस कैटेगरी में आएगी, ये एक्टिविटी सेटिंग स्टैंडर्ड में आएगी, कि ये एक्टिविटी प्लानिंग में आएगी, कि ये एक्टिविटी असेट क्रिएशन में आएगी, कि ये एक्टिविटी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में आएगी, कि ये एक्टिविटी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन में आएगी। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास, मैंने मॉडल मैप आपको दिखाया। अब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये भी एक एक्टिविटी है एसएसए में, तो इसकी अनबंडल कैटेगरी क्या है ये आप ऊपर से देखोगे कि ये किस में आएगा, प्लानिंग में आएगा कि सेटिंग स्टैंडर्ड में आएगा कि ऑपरेशन में आएगा कि मैनेजमेंट में आएगा। तो अनबंडल कैटेगरी को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला टास्क आपका क्या होगा कि आपको, आपने स्कीम देख ली, स्कीम देख ली, स्कीम देखने के बाद आपने उसकी गाइडलाइन नोट कर ली किस प्रकार की है स्कीम, रिडिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है कि सब्सटेंसिव है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आप उसकी ए टू जेड एक्टिविटी, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट को, क्योंकि तो इसी बेस पे आप इवेलुएट करोगे। आपने एक एक पॉइंट को नोट कर लिया, उसके बाद आपने उसकी अनबंडल कैटेगरी डाली। अब उसमें ये चार प्रिंसिपल्स लगाने होंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चार प्रिंसिपल लगाने के बाद आप फिर ये दो तीन प्रिंसिपल और लगाओगे उसी एक्टिविटीज के ऊपर, तब जाकर आप ये कहोगे कि ये काम कहाँ पर होना है। अब आपने ये अपना मैप तैयार कर लिया, मान लीजिए अब आप गए फील्ड में, अब आप फील्ड में गए आपको पता लगा कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो काम यहाँ हो रहा है, बल्कि जो प्रिंसिपल बाय रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बाय रूल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इसको यहाँ होना चाहिए था, तो आपको पॉलिसी मिसमैच का आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो जो मॉडल एक्टिविटी मैप है, ये जो मैपिंग है, ये दो चीजें करती है। एक तो चीज ये वेरियस लेवल ऑफ गवर्नेंस में रोल क्लियरिटी करती है। ये आपको याद रखना होगा, कोई भी पॉलिसी ये इन्हीं चार, इन्हीं लेवल ऑफ गवर्नेंस पे लागू होती है। कोई भी स्कीम हो, आप जिस भी चीज पर रिसर्च करो वो
पैसा कहीं से आता है, इम्प्लीमेंट कहीं होता है, तो वो काम कहाँ हो रहा है। सिंपल सी बात है कि जब आपको किसी भी नीति के ऊपर ये पता करना है कि वो नीति सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो एक सिंपल सा फंडा है ना कि आप ये पता कर लो कि जो जो रूल ऑफ मेथोलॉजी है वो क्या है और जो एक्चुअल में चीज क्या है। तो एक्चुअल चीज अलग है, रूल ऑफ मेथोलॉजी अलग है, पर वो रूल ऑफ मेथोलॉजी क्या है, वो रूल ऑफ मेथोलॉजी है एक्टिविटी मैपिंग, जहां पर मैं समझते हैं, वेयर वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम बिटवीन एक्चुअल मॉडल और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है और ये बच्चे जो अपने मन में रिसर्च करके लेके जाते हैं कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गलत होता है, बस इंडियन पॉलिसीज आर गुड इन फॉर्मुलेशन बट बैड इन इम्प्लीमेंटेशन। बट आई कोटे Can you hear me? तो मैंने आपको SSA का एक एग्जाम्पल आपको अभी बताया, तो आप ये आप इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए, और ये जानते इस विषय के ऊपर यदि आप अगर काम करें है ना, तो आप ये समझ रहे हैं कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्टिविटीज को कैटेगराइज किया एक अपने चैप्टर में। अब यहाँ पे जो रूल है कि अब जैसे मैंने आपको अभी तक ये नहीं समझाया कि किस रूल के ऊपर क्या करना है। मान लीजिए कि किसी भी एक्टिविटी में इकोनॉमी ऑफ स्केल ज्यादा है, ये सारे आप पेपर मैंने ही लिखे हैं पॉलिसी रिसर्च पे। अगर आप किसी समझ लीजिए कि इकोनॉमी ऑफ स्केल ज्यादा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उस एक्टिविटी को हायर ऊपर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे करूंगा। शायद मैंने अपने अगली स्लाइड में इसको एक्सप्लेन भी किया। ये देखिए कि अगर किसी भी एक्टिविटी में इकोनॉमी ऑफ स्केल ज्यादा है, तो एक्टिविटी वो हायर स्केल ऑफ गवर्नमेंट पे होनी चाहिए बाय द रूल ऑफ मेथोलॉजी। अगर एक्टिविटी का एक्सटेंट ज्यादा है, पर्टिकुलर एक्टिविटी हायर लेवल पर है, मान लीजिए कि आपने कहा एसएसए में, और उसका इंपैक्ट ज्यादा है, तो उसको भी हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे होना चाहिए। लेकिन अगर एक्टिविटी हेट्रोजीनियस इन नेचर है, तो उसको लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे होना चाहिए। अब आपने मेथोलॉजी लगाई, आपको प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोजीनिटी पता है, आपने मॉडल में उस एक्टिविटी को अपने रखा, आप फील्ड पे गए, आपने फील्ड पे देखा वो काम वहां पे हो रहा है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोजीनिटी के अगेंस्ट है। तो आप सजेशन कर सकते हो कि क्योंकि बिकॉज दिस एक्टिविटी इज अ मोर हेट्रोजीनिटी इज इन नेचर, इट शुड बी परफॉर्म एट लोअर डाउन, बट इन द इम्प्लीमेंटेशन, व्हाई इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि फॉर्मुलेशन ही गलत हुआ, मैपिंग ही नहीं हुई। तो आप वहां पर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी के प्रस्पेक्ट से भी सजेशन दे सकते हो। तो पहला रूल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है, एक्सटर्नलिटी क्या है, इक्विटी क्या है और हेट्रोजिनिटी क्या है। तो अगर इकोनॉमी ऑफ स्केल है, बहुत ज्यादा उसमें पैसे की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, तो आप ठीक है उसको हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे करने दो। अगर वो उसका एक्सटेंट एक्सटर्नल इफेक्ट ज्यादा है, तो उसको ठीक है हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे करने दो। लेकिन अब इसमें आता है सेकंड सेकंड प्रिंसिपल क्या आता है कि मान लीजिए कि एक्टिविटी डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, तो और जो ट्रांसपेरेंसी को लेके आए, तो उस एक्टिविटी को कहाँ पे होना चाहिए, उस एक्टिविटी को लोअर लेवल पे होना चाहिए। मान लीजिए कि वो एक्टिविटी जो है ट्रांजेक्शन इंटेंसिव है, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेवल कर मतलब उस चीज की जरूरत है, वहां उस एक्टिविटी को लोअर डाउन होना चाहिए, और जो बेस्ट नीचे की तरफ परफॉर्म कर सके उसको भी हमारा जो है लोअर की होना चाहिए। तो आप ये चीज को समझिए, ये हमें प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। पहला प्रिंसिपल स्कीम को डाउनलोड करना है, दूसरा प्रिंसिपल स्कीम की सारी एक्टिविटीज को समझना है, स्कीम किस प्रकार की है समझना है, फिर हमको ये समझना है कि हम इस पे हमको इनको पांच ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये सेटिंग स्टैंडर्ड में आएगा, कि ये प्लानिंग में आएगा, कि असेट क्रिएशन में आएगा, कि ये ऑपरेशन में आएगा, कि ये मॉनिटरिंग या इवेल्युएशन में आएगा। आपने कर लिया, फिर आपका जो अगला स्टेप है वो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पब्लिक फाइनेंस लगाओगे, और फिर प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी लगाओगे।
फिर आपका एक मॉडल मैप जो है तैयार हो जाएगा। इट इज अ वेरी ब्रेनी एक्सरसाइज। एक्चुअली द पॉलिसी रिसर्च इज अ ब्रेनी एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगाना, यहाँ पे आपको कोई टेक्निकलिटीज नहीं लगानी, जहां आपको आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेथोलॉजी लगानी है या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक रूल लगाना है कि कहाँ पर क्या एक्टिविटी जाए और कहाँ पर उस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए और क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। तो ये आपका कहलाता है मेथड ऑफ एक्टिविटी मैपिंग। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला बात, जब आप एक्टिविटी मैपिंग को समझ जाते हो, जब आप ये समझ जाते हो कि पॉलिसी मिसमैच क्या हो रहा है, तो सबसे पहली बात कि टू आइडेंटिफाई द पॉलिसी मिसमैच बिटवीन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉडल इम्प्लीमेंटेशन। पहला बात आप ये जान सकते हो कि वास्तव में जो मॉडल है किसी भी पॉलिसी को बनाने का और वास्तव में जो पॉलिसी हम मॉडल वहां पे नीचे लग रहा है उसके बीच में क्या गैप है, ये आप एक्टिविटी मैपिंग से समझ सकते हो। दूसरा, आप मेटा और मेटा एक्सरसाइज के थ्रू किसी भी पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करने के लिए सजेशन दे सकते हो। तीसरा, लेवल ऑफ गवर्नेंस पे कहां पर क्या काम होना चाहिए, क्या रोल क्लैरिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, आप उसको समझ सकते हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ये बहुत जरूरी है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए सरकारें बात भी करती हैं, जिसे हम कहते हैं डिवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कि क्या पॉलिसी डिसेंट्रलाइजेशन सही से हो रहा है और क्या उस पॉलिसी के डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट लोगों को मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि कोई भी जो पॉलिसी है, मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग जितने लोग भी पॉलिसी रिसर्च कर रहे हो किसी भी टॉपिक पे जो वेलफेयर ओरिएंटेड है, वो संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है जहां पर 28 विषय हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमें सरकार ने वेलफेयर स्टेट ओरिएंटेशन का वो दिया हुआ है, क्या वो पॉलिसीज वास्तव में इफेक्टिव गुड्स और डिलीवरीज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो एक तो इसका थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है, दूसरा इसका मेथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, तीसरा इसका एक एक मॉडल इंपॉर्टेंस है। ये एक एक आपको एक एक मेथड दे सकता है किसी भी पॉलिसी को आप कैसे इवेलुएट करें। मैं एक सेशन आपका और भी लूंगा जिस दिन मैं आपको पूरा मैपिंग के ऊपर कैसे करना है। और तीन प्रकार के मैप होते हैं, फाइनेंस का मैप होता है, फंक्शनरीज का मैप होता है और फंक्शंस का मैप होता है। तो एक्टिविटी जो मैपिंग है, एक्टिविटीज भी हम तीन प्रकार की करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, वो फंक्शन हो गया। दूसरा हो गया कि फंक्शनरीज, उसमें कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ काम करेंगे, वो भी तो आप पता करो ना, वो भी तो पॉलिसी रिसर्च का हिस्सा है। तीसरा, आप ये पता करोगे कि जो फंक्शनरीज या काम कर रहे हैं उनको उतना फाइनेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसके तीन स्टेप तरीके होते हैं करने के, एक होता है फंक्शनल एनालिसिस, एक होता है फंक्शनरीज एनालिसिस और एक होता है फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, हम लोगों ने 2013 में आई वर्क विद डॉक्टर मनमोहन सिंह और मैंने इस पॉलिसी रिसर्च के ऊपर उनको सजेशन दिया था एनआरएचएम के ऊपर काम करने के लिए। और उसके बाद दुनिया भारत के सभी स्टेट्स में ये बात आई कि जितने भी पंचायत के जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आपकी मनरेगा हो, चाहे वो आपकी सब शिक्षा अभियान हो, चाहे वो आपकी ICDS हो, कैबिनेट सेक्रेटरी ने, प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा कि आप जो है इन इन पॉलिसीज की मैपिंग करिए, इन पॉलिसीज की मैपिंग मेथोलॉजी करिए, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस लगा के। अब आपको मैं कारण बताता हूँ कि क्यों मैंने लैंड पिचर्ट और अन्य लोगों का नाम लिया। भारत को 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद, 73 अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि भारत में पंचायती राज लागू हो गया। तो जितने भी शोध होते हैं इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, वो एक वन डायमेंशनल शोध होते हैं। उनकी इफेक्टिव गुड और सर्विसेज को जानने के लिए पॉलिसी रिसर्च आज तक नहीं की जाती। और इकोनॉमिक्स में अभी कुछ ही जो संस्थान है दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, बल्कि जितनी भी इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसी है, सोशियोलॉजी की पॉलिसी है, वो आती है। अब जब नीति आयोग बना 2014 में, तो उन्होंने एक रोल लिखा, पार्टिसिपेटरी रोल ऑफ स्टेट, और वो अपना एक इंडेक्स जारी करते हैं। तो अब उस इंडेक्स में उनको ये भी देखना चाहिए कि कौन सा स्टेट जो है उन्होंने वास्तव में जितनी स्कीम्स है उनकी मैपिंग कर ली है। इफ यू लर्न द मैपिंग और इफ द गवर्नमेंट विल सपोर्ट दिस मैपिंग, देन वी कैन ऑल्सो मेड अ पॉलिसी बेटर। इट इज नॉट फॉर अ सजेशन फॉर टू मेक अ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, बट इट ऑल्सो टू बी अ सजेस्ट टू हाउ टू मेक अ वेरी गुड पॉलिसी। विद द मॉडल इज क्लियर, द पॉलिसी विल बी इफेक्टिव। द फेलियर ऑफ इंडियन प्लान इज नॉट ड्यू टू द ओनली द करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिशियंसी, द फेलियर ऑफ इंडियन प्लान इज ऑल्सो ड्यू टू द बैड मॉडलिंग एंड नॉट अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड सब्सिडरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द
द मेथोलॉजी ऑफ पब्लिक पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द मेथोलॉजी ऑफ मेटा एंड मेगा अप्रोच ऑफ पब्लिक पॉलिसी, द डोमेन इज ओपन, मेथोलॉजी इज ओपन, लॉट ऑफ द रिसर्च हैव बीन डन ऑन इट, यू कैन यूटिलाइज इन योर वन चैप्टर ऑल्सो. इफ यू आर डूइंग अ रिसर्च यू कैन मेक एन अ मॉडल मैप एंड यू कैन कंपेयर विद योर द एग्जिस्टिंग मैप. और उसके लिए आपको फील्ड सर्वे करना पड़ेगा, और वो फील्ड सर्वे वो क्वेश्चन आयर और इंटरव्यू शेड्यूल के सर्वे से नहीं होता, वो फील्ड सर्वे होता है ड्रॉ नॉर्मेटिव मॉडल मेटा अप्रोच मॉडल से. आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, आपको ये चीजें बता देखनी पड़ेंगी, ये काम यहाँ पे हो रहा है, ये काम यहाँ पे हो रहा है, ये चीजें यहाँ पे हो रही है, और मेरा मॉडल मैप ये कहता है. और ये मॉडल मैप मैंने नहीं बनाया, ये मॉडल मैप ऑलरेडी मैं आपको पेपर दिखा सकता हूँ जिस मॉडल मैप से हम ये बात कर रहे हैं, इस मॉडल मैप से हम सजेशन की बात कर रहे हैं. ये मॉडल मैप बनाया था भरत पांडे और लैंड पिचेंट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और वो इंडिया में आए भी. लकली अभिजीत बनर्जी ऑल्सो दैट द पार्ट ऑफ दैट दैट डिस्कशन, बट उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट इंडिया की सरकार ने नहीं किया कि कैसे हम पॉलिसी रिसर्च करेंगे. ये देखिए, अब मैं आपको वो मॉडल दिखा रहा हूँ, इस मॉडल के बेस पर मैं आपसे कह रहा था कि आप ये इन्होंने एसएसए में किया कि, और एसएसए के स्कूल में उन्होंने अकाउंटेबिलिटी जानने की कोशिश की. ये यहाँ पे आइए, ये देखिए कि एक्टिविटीज को उन्होंने क्लासिफाई किया और पॉलिसी मेकर्स के लिए ये कहा. मैं ज्यादा चीजों पे अभी नहीं जाने वाला क्योंकि मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, जो मैंने आपको समझाया वो चीज आप बाद में भी समझ जाएंगे. जहां से उन्होंने एक्टिविटी मैपिंग शुरू की, ये देखिए, तो जब उन्होंने एसएसए की पॉलिसी पे किया, सबसे पहले उन्होंने अनबंडलिंग की, उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी लगाया, फिर फंक्शनल एलोकेशन लगाया, और उन्होंने बताया कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. जैसे मान लीजिए कि एक्टिविटी है करिकुलम डिजाइन और लर्निंग स्टैंडर्ड, ये आप देख सकते हो, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ इसके मॉडल मैप से. ये देखिए, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि इन्होंने करिकुलम डिजाइन, और उन्होंने कहा ये स्टैंडर्ड एक्टिविटी है और ये कहाँ पे होनी चाहिए, उन्होंने ये बताया भरत पांडे और लैंड पिचर्ट ने हार्वर्ड के इकोनॉमिक्स ने. ये प्लानिंग कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, ये एसेट क्रिएशन कहाँ होना चाहिए, ये एक्टिविटी है, ये ऑपरेशन कहाँ पे होना चाहिए, ये मॉनिटरिंग एवोल्यूशन कहाँ होना चाहिए, ठीक है. फिर उन्होंने बताया कि फंक्शन एलोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, फिर उन्होंने बताया क्यों ऐसा है, और उन्होंने देखो अच्छा एग्जाम्पल दिया. मान लीजिए उन्होंने कहा कि कोई भी एक्टिविटी जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज करता है, वो एक्टिविटी हमेशा हायर स्केल ऑफ गवर्नमेंट पे जानी चाहिए. तो आप उसको हायर स्केल ऑफ गवर्नमेंट पे पुट करोगे. अगर एक्टिविटी जो है सिग्नलिटी एक्सटर्नल इफेक्ट है उसका, तो एक एजेंट के अलावा दूसरे एजेंट को अफेक्ट कर रही है, उसको भी हायर लेवल ऑफ गवर्नेंस पे होना चाहिए. देखो उन्होंने यहाँ पे इसको समझाया. फिर उन्होंने बताया इक्विटी, इक्विटी के ऊपर भी उन्होंने बताया कि नीड फॉर इक्विटेबल सपोर्ट, उसको भी किस लेवल ऑफ गवर्नेंस पे होना चाहिए. हेट्रोजिनिटी, तो ये देखिए उन्होंने बताया. फिर उन्होंने इसको इकोनॉमी ऑफ स्केल को कैलकुलेट किया. फाइनली उन्होंने जब सारा कुछ करने के बाद अपना एक मॉडल यहाँ पर प्रिपेयर किया कि ये देखिए कि एक एक्टिविटी करने के लिए इतना एक्सरसाइज उन्होंने किया कि लो है कि हाई है कि मीडियम है कि टेक्निकल है, ये आपको एक्सरसाइज में बाद में सिखाऊंगा, और किस लेवल ऑफ गवर्नेंस पे गया, तब जाके हमारा एक पॉलिसी जो है एक मॉडल मैप बनता है. लेकिन अगर आप इसी में देखोगे तो हम क्या करते हैं कि किसी भी स्कीम को ऐसे उठा के डायरेक्टली बना देते हैं, पर इसके पीछे एक बड़ी कठिन एक्सरसाइज होती है. ये देखिए कि ये उन्होंने अपने पूरे मॉडल, ये फंक्शनल मैप है जो मैंने आपको बताया कि फंक्शन कहाँ पे कौन कौन करेगा, उसके बाद फाइनेंस के बारे में भी बात की कि फाइनेंस के बारे में कौन कौन बात करेगा. तो इतना कठिन एक्सरसाइज नहीं भी है, पर एक रिग्रेसिव एक्सरसाइज है पॉलिसी मेकिंग. पर हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली, अच्छा ये काम यहाँ पे होना है, ये काम यहाँ पे होना है, कोई भी हम मेथोलॉजी प्रिंसिपल नहीं लगाते, ना फर्स्ट प्रिंसिपल ना सेकंड प्रिंसिपल. तो इसलिए हम पॉलिसी रिसर्च में कई बार अच्छे सजेशन नहीं दे पाते. तो अगर हमें पॉलिसी रिसर्च को समझना है तो हमें ये पूरे एक स्टेप्स को लेके करना पड़ेगा कि एक्टिविटी ट्रांजेंसी इंसेंटिव है कि इंफॉर्मिंग परफॉर्मेंस है, ठीक है. और इसके लेकर इंडिया में भी एक बंदे ने काम किया, उसे वो मिनिस्टर सेक्रेटरी थे टीआर रघुनंदन. तो उन्होंने एक, मैं आपको शायद दिखा सकूं, मेरे पास होगा मॉडल एक्टिविटी मैप. ये देखिए इन्होंने 2013 में इसके ऊपर काम किया था मॉडल एक्टिविटी मैप में कि, और एक एक ही स्कीम को आपको लेके करना है, आपको सारी स्कीम नहीं करनी, आपकी अपनी स्कीम को लेके आपको करना है ना. ये वाला पेपर नहीं है, सॉरी.
ये देखिए, इन्होंने ऐसे इसको बनाया, ये चीज, ये जो ये पॉइंट लिखना है ना कि एक्टिविटी किस लेवल ऑफ गवर्नेंस पे होगी, उसके लिए उस रिग्रेसिव एक्सरसाइज को इन्होंने किया। लेकिन जब आप कंपेयर करोगे एक्चुअल एक्सरसाइज मैप से, एक्चुअल मैप से, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ कितनी प्रॉब्लम है। 2013 में हम लोगों ने भी इसके ऊपर काम किया था, तो हमारे जो ये वैल्यूम हम लोगों ने बनाया था इस एक्सरसाइज को करने के बाद, और आज आप कंपेयर करेंगे कि जो हमने वैल्यूम बनाया, जो एक्टिविटी मैप बनाए और जो एक्चुअल एक्टिविटी मैप है, उनके बीच में बहुत डिफरेंस है। और उस डिफरेंस के कारण हम जो पॉलिसीज हैं आज तक जो है, हम कई मामलों में बहुत ज्यादा पीछे हैं। आज मैं सुबह एक बहुत बड़ा डाटा देख रहा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपको मैं वो चीज यहाँ भी दिखा सकूं कि फूड सिक्योरिटी के मामले में, फूड एस्पेक्ट के मामले में, या पॉवर्टी रिडक्शन के मामले में, इंडिया के जो कुछ स्टेट बहुत ज्यादा पीछे हैं। और फूड, जो फूड सिक्योरिटी की जो अब तक एक्टिविटी मैपिंग नहीं हुई, उस कारण आपको मैं हाल दिखाता हूँ। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कुछ स्टेट्स ने आज तक मैपिंग मेथोलॉजी या पॉलिसी रिसर्च नहीं किया, रोल क्लियरिटी है नहीं, तो उस कारण हाल ये हो गया। एक मिनट मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और स्टेट जो पॉलिसी रिसर्च करते हैं, केरला, केरला आज इसलिए सकते थे कि केरला ने सारे स्कीम की एक्टिविटी मैपिंग की है। आपको ये मेरे स्क्रीन पे एक चीज दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको एक रीजन भी बता रहा हूँ। ये देखो, ये भारत में फूड सिक्योरिटी का ये डाटा नीति आयोग ने जारी किया है, ये डाटा मैंने जारी नहीं किया है, ये डाटा नीति आयोग ने जारी किया है। आप ये देखो, ये रेड एरिया जो है, ये दिखा रहा है कि भारत में कितनी ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जीरो हंगर को लेके। जिन स्टेट्स ने डिसेंट्रलाइजेशन किया है, केरला ने पूरा मॉडल एक्टिविटी मैपिंग किया हुआ है अपनी हर स्कीम का, तो केरला आज कहाँ पे खड़ा है। ये स्टेट कुछ हद तक कर चुके हैं पंचायती राज, ये आज कहाँ खड़े हैं, और जिन्होंने किसी भी स्कीम का मॉडल मैपिंग या मेथोलॉजिकल पार्ट नहीं अपनाया, वो आज कहाँ खड़े हैं आप देख लो। ये से केस पॉवर्टी में भी है। आप अगर स्कीम्स की मेथोलॉजी मैपिंग करेंगे नहीं, तो आप चाहे जितना कर लेंगे, आपको डाटा खतरनाक ही दिखाई देगा। और ये डाटा मैं नहीं लेके आया, ये डाटा नीति आयोग के रिपोर्ट से है। पॉवर्टी के कंडीशन में आपको मैं पिक दिखाऊं कि पॉवर्टी की स्कीम के ऊपर जैसे कई लोग लोग काम कर रहे हैं, आप ये देखिए, ये देखिए पावर्टी की स्कीम्स के ऊपर भी कुछ स्टेट जिन्होंने अपनी एक स्कीम की मैपिंग की है, जिन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया है, वो ग्रीन जोन में खड़े हैं, पर जिन्होंने अपनी स्कीम्स की मैपिंग नहीं की, जिन्होंने मेथोलॉजी ऑफ मैपिंग को नहीं अपनाया, वो आज भी रेड जोन में खड़े हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द इंडिया फेलियर इन द अचीविंग अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इट इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड नॉट टू अचीव द पॉलिसी आउटकम एंड गोल। तो हम तो ये बात कहेंगे ना, हम सजेस्ट करेंगे कि हम पॉलिसी मैपिंग को एक प्रॉपर मेथोलॉजी से बनाएं, हम पॉलिसी मैकिंग को एक प्रॉपर रिसर्च से करें। ये हम लोगों ने पॉलिसी मैपिंग जितनी स्कीम्स की सजेस्ट की थी, फंक्शंस के आधार पर, कि मान लीजिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, कहाँ का काम कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो केरला ने सबसे पहले, आप गूगल पे कभी सर्च कर लीजिएगा, केरला इज अ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, नॉट अ डिसेंट्रलाइजेशन बट ऑल्सो फॉर मेकिंग अ पॉलिसी। वहां पर पॉलिसी रिसर्च की जा रही है, वहां पर मैपिंग मेथोलॉजी को अपनाया जा रहा है, इसलिए वो स्टेट सक्सेस है सब चीजों को अचीव करने में। अगर आप बात करें, हाँ, बिहार ने हेल्थ पॉलिसी के ऊपर अपनाया, बिहार ने एनआरएचएम को किया। देखिए, जब बिहार ने हेल्थ के ऊपर अपनाया, तो आज देखिए बिहार कम से कम पीले कंडीशन में आ गया। आप देखिए कि हेल्थ सेक्टर पे, मोर्टेलिटी रेट पे जिन स्टेट्स ने काम किया, वो आज ग्रीन में है। जिन स्कीम्स के ऊपर मैपिंग नहीं हुई, वो स्कीम्स ग्रीन जोन में नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फॉर टू रिलेट दैट, गॉट इट। शैलेंद्र, मुझे लगता है कि अभी इनको जो बाकी जो टेक्निक्स हैं, कैसे किया जाएगा, वो मैं इनको जरूर, मैंने थोड़ा सा बेस मैंने इनको बता दिया है ना। हाँ, कोई सवाल आप लोगों का मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं बेसिक मेथोलॉजी ऑफ पॉलिसीज के ऊपर, और कैसे इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया, मैं किसी और दिन सेशन में आपको करना कैसे है वो आज भी मैंने नहीं सिखाया, वो आपको मैं सिखाऊंगा कि आखिर मैपिंग करते कैसे हैं। वो आज तो मैंने आपको थ्योरेटिकल डायमेंशंस क्लियर किए हैं कि कोई सवाल आप लोगों के। शैलेंद्र, आप फ्लोर को ओपन कर दो।
कलन कुड यू ओपन अ फ्लोर। अच्छा पूछ लो, किसी को कोई सवाल पूछना हो। क्वेश्चन हाँ नहीं अभी सिविया कुछ पूछ रही है। हाँ सिविया पूछो। नहीं सर, आई हाँ जस्ट वांटेड टू थैंक यू सो मच हाँ विजय सर फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। वी आर हैप्पी दैट यू हैव एनलाइटेड आवर नॉलेज अबाउट मेटा एनालिसिस एंड एक्टिविटी मैपिंग, एंड वी आर ईगली वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर ठीक वैल्यूएबल टाइम टू आवर है, मैं वर्कशॉप। आप लोग सिखाऊंगा कि मिथोलॉजी को कैसे करना है। और कोई सवाल पूछ लें, जो अगर किसी को कोई अपनी पॉलिसी पे कोई रिसर्च कर रहा हो, अगर मुझसे कोई सवाल चाहता है मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूँ कुछ। एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क? लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं शैलेंद्र। हाँ, चैट बॉक्स में चैट रख सकते हैं, है ना। हाँ ठीक है सर, अच्छा है। लेकिन पॉलिसी के ऊपर अभी भी देश में मैं देख रहा हूँ कि मैं इतनी सारी, आज मैं पढ़ा रहा था इंडियन इकोनॉमी, तो मैंने जब ये देखा तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ, जो ये आप ग्रीन और रेड जोन देख के कि क्या हाल है और नहीं कर रहे हैं, और इससे देश के जो इफेक्टिव जो चीजें हैं वहां पे भी समस्याएं हैं, है ना। ठीक है, ओके।